स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक्सरसाइज 1 भी करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस इट। अब ये दो क्वेश्चंस हैं एक ही में। देखो पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब ये तो पहले पार्ट के आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आंसर नंबर 1 के लिए। देखो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर है कि वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को कंप्लाई करने के लिए इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। और ये क्या स्टेट करता है, देखो ये स्टेट करता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के कोर्स में। तो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, वो इम्प्लाई करेगा कि एटम हैव बीन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए जो है कि उसको बैलेंस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जिंक है, देखो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो ये जिंक के आगे S लगा हुआ है, HCl के आगे AQ है, और यहाँ पे जिंक क्लोराइड के आगे AQ है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बगल में एरो है, अपवर्ड एरो। तो ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फिजिकल स्टेट बता रहा है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। एस लेटर डिनोट करता है सॉलिड के लिए, एल लिक्विड के लिए, और जी गैस के लिए। और या फिर देखो यहाँ पे अपवर्ड एरो भी लगा हुआ है, और AQ का मतलब है कि सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि ये जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा आपको वाटर में। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे का सारा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि प्रोडक्ट किस स्टेट में है और आपका रिएक्टेंट किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन 2। कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, कि लिमिटेशन क्या है इसकी, हद क्या है। तो देखो पेज नंबर 14 पे लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन के नीचे दिया हुआ है कि ये एक चीज नहीं बताता है कि वेदर हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये इस बात को नहीं बता पाता है। नेक्स्ट क्या नहीं बताता है, ये द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, कि किस रेट के साथ रिएक्शन प्रोसीड हुआ। और ये भी नहीं कन्वे कर पाता है कि वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये तीन चीजें हैं जो कि उस इक्वेशन से कन्वे नहीं हो पा रही हैं, यानी कि वो उसकी क्या है, लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ल्ड इक्वेशन एंड बैलेंस देम। अब इसको वन बाई वन करते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है ना, आपके पास जो है बुक्स आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले ए वाला करने जा रहे हैं। दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के लिए सी, ऑक्सीजन के लिए ओ, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको मालूम है CO2। अब यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी O2 हो जाएगा, तो CO2 बैलेंस हो गया। बी वाला देखते हैं क्या दिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन हमें पता है प्लस ऑक्सीजन भी पता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, यानी कि सिंगल रहेगा। तो लेकिन ये सिंगल होना नहीं चाहिए, ये जो है कि N2 लिखते हैं और O2 आता है, तो यहाँ पे दोनों दो दो हैं, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया, ये बैलेंस भी हो गया। सी वाला देखते हैं, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, बुक आपके पास है तो आप बुक में क्वेश्चन देखते रहो, कैल्शियम है प्लस नाइट्रोजन है और कैल्शियम नाइट्राइड बन रहा है, तो कैल्शियम के लिए सी है, नाइट्रोजन के लिए एन, और आपका प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला C3N2। अब कैल्शियम का कितना होना चाहिए,
3 होना चाहिए, और नाइट्रोजन पे कितना होना चाहिए, 2, और होता ही है। तो ये भी आपका देखो, इधर 3 कैल्शियम इधर भी है, और इधर 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन इधर भी है। फोर्थ वाला देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO प्लस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी देखो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिख रखा है। अब ये प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो CA कैल्शियम हो गया, C और O3, तो CO3, तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ई वाला, ई वाला क्या है आपका, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम के लिए Mg, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2, SO4 हो गया। अब ये देखता क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए SO4, और साथ में क्या बचा, हाइड्रोजन। ओके नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का F है, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम रिएक्ट करेगा इसके इसके साथ, वाटर के साथ फॉर्म करेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या साथ में फॉर्म करने वाला है, ये हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे तो H2 होना है, तो यहाँ पे भी H2 है, चलो हो गया। यहाँ एक सोडियम है, एक सोडियम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हो जा रहा, तो यहाँ पे दो लगा देंगे। तो अब यहाँ दो हाइड्रोजन, दो यहाँ, चार हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। अब सोडियम यहाँ दो है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब ये देखो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, इधर भी सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। जितने भी सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, और ये बहुत ही सारे इक्वेशन हैं, ये सारे के सारे इक्वेशन हमको बैलेंस करना है। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहला पार्ट, आयरन है, साथ में वाटर है, आपका आयरन ऑक्साइड बना हुआ है, साथ में हाइड्रोजन है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, बैलेंस करो। तो सबसे पहले आयरन को देखते हैं, आयरन को ही बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लगा दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ क्या करना होगा हमको, यहाँ 4 पुट करना होगा। तो देखो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अब डिस्टर्ब क्या हुआ, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी प्लेस कर दो 4, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, बी वाला, बी वाले में क्या है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, और साथ में ये बना क्या रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम 3 है, बस यहाँ 3 लगा दिया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 यहाँ ऑलरेडी है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, सी वाले में क्या है, जिंक है, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये क्या बना रहा है, पोटेशियम जिंकेट है ये, और साथ में क्या बना रहा है, ये साथ में बना रहा है आपका, लिब्रेट कर रहा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी कितना करेंगे ऑक्सीजन, पहले बैलेंस किसी एक को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो, बाकी सारे अपने से बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या पुट करना पड़ेगा हमको, तो K2 था ही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में K2 है ही। तो अब यहाँ पे देखो पोटेशियम पोटेशियम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, बस बैलेंस हो गया। दोनों तरफ देखो सेम है। अब डी वाला देखते हैं, डी में क्या है, लेड ऑक्साइड है, किससे रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया से, और साथ में क्या है, लेड वाटर और नाइट्रोजन।
अब यहाँ पे आप देखो, आप इसमें से किसी एक को बैलेंस करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे किसी एक को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे और भी ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ पे क्या करो, नाइट्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करो। अभी कितना हो गया, 2 3 6 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे। तो 3 2 6, अब हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ऑक्सीजन 3 हो गया तो यहाँ पे भी इसको 3 पुट करो। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 लेड हो गया, तो अभी लेड डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगल लेड है, तो यहाँ पे भी 3 कर दो। अब देखो 3 लेड, इधर भी 3 लेड, इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया। ये इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, किसी एक को लेके चलो बाकी सारे अपने से हो जाएंगे। ई वाला पार्ट देखते हैं, सॉरी ए बी सी डी कोई एक मिस हो रहा है ना। हाँ ये ई वाला है और मिस कौन सा हुआ है, डी वाला। डी वाला अभी कर लेते हैं, कोई नहीं, डी वाला मिस हुआ है, ई वाला पहले हो गया है। तो यहाँ पे देखो लेड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमको करना है डी वाले में आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्रोडक्ट में क्या मिला है, आयरन मिला है और कार्बन डाई ऑक्साइड मिला है। अब इस कंडीशन में देखो आयरन इधर 2 है, इधर सिंगल है, तो सबसे पहले 2 आयरन कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करें, 3 1 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अगर इसको करते हैं, अगर यहाँ पे, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 6, हाँ सही है, 3 कार्बन हो जाएगा, 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 कार्बन हो गया और 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम F, F में देखो दिया हुआ है Pb3O4 है और बैलेंस करना है, मिला हमको लेड ऑक्साइड और साथ में मिला है हमको ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लेड 3 है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लेड को 3 कर दिया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे लेड को अगर 3 करते हैं तो 3 ऑक्सीजन 2 ये हो जाता है, तो यानी कि 5 हो जा रहा है ना, ऑक्सीजन 5 हो रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसको क्या कर दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको डबल कर दें, 3 की बजाय 6 कर दें। अब यहाँ 6 लेड हुआ और 6 ऑक्सीजन हुआ और ये 2 8 हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे लेड कितना है, 6 हो गया है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 3 6 लेड हो जाएगा, 2 4 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 6 लेड हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि टोटल 8 हो गया, ठीक हो गया, बैलेंस हो गया। अब तो F के बाद कौन सा है, G वाला है, थोड़ा सा यार रफ है, करते टाइम लगता है। अब यहाँ पे लेड सल्फाइड है, साथ में ऑक्सीजन है, साथ में क्या निकल रहा है, लेड निकल रहा है, लेड ऑक्साइड निकल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब यहाँ पे पहले ही से देखो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तुमको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इधर 2 लगा दो, अब ये 2 हो गया और ये 2 4 हो गया, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे। अब जब यहाँ पे तुमने 2 लगाया है तो देखो 2 लेड हो गया, तो लेड के सामने भी 2 लगाना पड़ेगा। जब लेड सल्फाइड के सामने तुमने 2 लगाया तो सल्फर भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 लगाओगे तुम, तो
तो सल्फर कितना हो गया इधर, दो हो गया। अब इधर भी दो सल्फर, दो लेड, दो लेड, दो सल्फर। ऑक्सीजन देखो, गिन के देखो, टू ऑक्सीजन यहाँ पे और टू टू या फोर ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल सिक्स ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ कितना है सिर्फ टू। तो और कितना मल्टीप्लाई करें, थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थ्री पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री टू या सिक्स ऑक्सीजन, और सिक्स ऑक्सीजन इधर भी है, तो सारा का सारा बैलेंस हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट है एच वाला, सल्फर है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तुमको मिला है। अब यहाँ पे देखो एक ही सल्फर है, यहाँ भी एक ही सल्फर है, ऑक्सीजन यहाँ पे तुम्हारा फोर है और इधर भी तुम्हारा कितना है, ऑक्सीजन दो है और एक यहाँ तीन है। अब देखो यहीं पे दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन इधर तीन है, इधर चार है, तो किससे पे मल्टीप्लाई करें, इसको टू कर देते हैं, तो टू टू जा कितना हो गया, फोर ऑक्सीजन हो गया, इधर भी फोर है, कोई दिक्कत नहीं है, टू टू जा फोर हाइड्रोजन, फोर हो जा रहा है अब, तो हाइड्रोजन यहाँ टू ही है तो यहाँ पे भी टू पुट कर दो। अब यहाँ पे टू टू जा फोर हाइड्रोजन हो जा रहा है, ठीक है, इधर भी फोर हाइड्रोजन हो गया। अब दिक्कत किस चीज़ की हो रही है कि यहाँ पे सल्फर टू हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा टू हो रहा है सल्फर, और यहाँ पे एक है तो तीन हो जा रहा है ना, तो सल्फर अगर इधर थ्री है तो इधर भी सल्फर थ्री होना चाहिए, तो यहाँ मैंने थ्री पुट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ थ्री पुट किया, अब ऑक्सीजन को देखो काउंट करो, थ्री टू जाए सिक्स ऑक्सीजन और टू ऑक्सीजन, ठीक है, तो सिक्स टू एट ऑक्सीजन यहाँ हो गया और टू फोर जाए एट ऑक्सीजन यहाँ भी, तो देखो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट वाले में देखो सल्फर है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखो काउंट करो किसी एक से ही, तुमको सारे बाकी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन कितना है, सेवन है, तो ऑड नंबर में है, और इधर में भी देखो थ्री है, यानी कि ये ऑड नंबर में ही है। तो अगर यहाँ पे हम पुट कर दें टू, तो देखो इवन नंबर में हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर में ज़्यादा ही रहता है सही। टू ऑक्सीजन यहाँ हो गया, टू यहाँ, टू टू फोर हो गया, फोर फोर एट हो गया, एट ऑक्सीजन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो एट ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसकी वजह से डिस्टर्ब कौन हो रहा है वो देखो, तो गौर से देखो, तो यहाँ देख रहे हो आप टू टू या फोर हाइड्रोजन और यहाँ टू हाइड्रोजन, तो फोर टू सिक्स हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन सिक्स होना चाहिए था, ठीक है, तो अब देखो सिक्स थ्री या एटीन ऑक्सीजन हो गया और सिक्स नाइट्रोजन हो गया, तो भाई नाइट्रोजन को भी तो सिक्स होना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैंने पुट कर दिया सिक्स। अब सिक्स टू जा ट्वेल्व और यहाँ पे ट्वेल्व प्लस फोर कितना हो गया, सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टू एटीन हो गया, और इधर भी सिक्स थ्री जा एटीन, तो देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस, सब बैलेंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो मैंगनीज ऑक्साइड है और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, वाटर और क्लोरीन बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही सिंगल है, यहाँ टू लगाओ, यहाँ फोर हाइड्रोजन हो गया, इधर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ फोर लगा दो, तो यहाँ पे तुम्हारा फोर हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे देखो काउंट करके, तो चार क्लोरीन है, तो दो यहाँ चार क्लोरीन हो गया, मैंगनीज एक हो गया, ऑक्सीजन कितना है टू है, तो इधर भी ऑक्सीजन टू हो गया, सब बैलेंस हो गया। नेक्स्ट के वाले में देखो आप, कार्बन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में जो है क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब दोनों साइड काउंटिंग करो तो कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये भी एक है, ये भी एक है। देखो दिक्कत में किस में, ऑक्सीजन इधर चार है, इधर टू वन थ्री और टू फाइव, फाइव ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ पे अगर हम टू पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू पुट करने पे कितना हो गया, टू टू फोर टू सिक्स हो गया। अब सिक्स हो गया यहाँ पे, सिक्स क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन उसी टाइम यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन देखो फोर हो गया, तो फोर करने के लिए हमने यहाँ पे टू पुट कर दिया, टू टू या फोर हाइड्रोजन हो गया, टू फोर या एट ऑक्सीजन हो रहा है। अब ऑक्सीजन तुम्हारा एट हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर में ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे बढ़ाते हैं तो फिर इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना,
इसमें बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो सल्फर भी हमारा 2 हो गया है, तब हम सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए दोनों के लिए इधर पुट कर दिया। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, और 6 प्लस 2 8, और यहाँ भी 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 2 सल्फर हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन में देखो एल वाले में, तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे एक ही है, तो देखो पहले इसी को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन भी हमारे यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 के हो गया, तो यहाँ पे भी 2 पोटेशियम है हमारा, ठीक है। इस साइड में अब क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं हम एम, ये हो गया इधर 2 पोटेशियम, इसमें क्लोरीन भी 2 है, और यहाँ पे भी देखो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखो 2 है, ठीक है, और पोटेशियम भी तुम्हारा 2 हो ही गया है। अब एम वाला देखते हैं, अब देखो एम वाले में देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और ये नाइट्रस है और नाइट्रिक एसिड है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, नाइट्रोजन यहाँ एक है, नाइट्रोजन यहाँ एक है, यानी इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर एक ही है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, 2। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन प्लस 1 5 ऑक्सीजन, तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, बैलेंस हो गया ये। अब एन वाले में देखो, तो इधर एन वाले में ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो एन वाले में देखो यहाँ लेड 3 है, लेकिन यहाँ पे लेड अकेला है, तो सबसे पहले लेड को हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन हुआ, साथ में ये 2 और क्लोरीन है, यानी कि टोटल 8 क्लोरीन हो रहा है। तो इधर में क्या करना होगा, इधर में भी हमको 8 क्लोरीन करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 8 पुट करेंगे, तो 8 हो गया क्लोरीन। अब 8 क्लोरीन पुट करने पे 8 हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हाइड्रोजन बस यही है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस है कि नहीं, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेड भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ये देखो ओ वाले में क्या दिया हुआ है, वाटर है, क्लोरीन है, HCl और O2, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हमने पुट कर दिया 2, तो अब कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, अरे सॉरी हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। अब 4 पुट किया तो क्लोरीन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 और पुट कर देंगे, 2 2 जा 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया बैलेंस। अब पी वाले में देखो, तो पी वाले में देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ इकलौता सोडियम है, सबसे पहले इसी को बैलेंस कर दो, तो 2 सोडियम यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे भी 2 सोडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कार्बोनेट में ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 2 है, 3 2 5 1 6 है, तो यहाँ पे भी देखो 2 3 जा 6 है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 है, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन है। बात करें हाइड्रोजन की, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी बैलेंस हो गया। अब क्यू वाला देखते हैं, क्यू वाले में देखो यहाँ पे, क्यू वाले में देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2, तो यानी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो यहाँ पे भी हमको 2, तो यहाँ पहले ही से 2 2 जा 4 करेंगे, 5 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ ना करके हम यहाँ कर देते हैं, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। अब बात करें तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन हुए, तो यहाँ पे तो अब बढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पुट कर देते हैं। अब यहाँ जब 2 पुट किया, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 4 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, साथ में देखो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर है, तो 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, और एक ही सल्फर है, तो एक ही सल्फर है इधर। अब आर वाला देखते हैं, आर वाले में क्या हो रहा है, देखो आर वाले में हम क्या करते हैं ना, कि देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 टू 5 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे 5 HNO3 किया, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, 5 3 जा 4
15, 5 3 या 15 ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन 5 आ गया, तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब 5 नाइट्रोजन किया तो 5 2 या 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस, नाइट्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, वाटर वैसा ही रहेगा और एक ही फॉस्फोरस रहेगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला रह गया है बस, अब ये लास्ट वाले में देखो जिंक इधर भी है, इधर भी एक ही है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, 2, दो नाइट्रोजन है, होल्ड टू तो 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 2 नाइट्रोजन इधर, 1 नाइट्रोजन इधर, यानी 3 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3 नाइट्रोजन। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं 3 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 3 3 या 9 ऑक्सीजन, तो देखो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 2 3 2 या 6 6 2 8 8 1 9, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्बेंस किसको हो गया, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, तो हाइड्रोजन के लिए बैलेंस करना होगा अगर हमको, तो यहाँ पे अगर 2 पुट कर दिया हमने तो 2 2 या 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यानी हमको यहाँ कितना पुट करना होगा, 4 पुट करना होगा, तो 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 और पुट करना होगा, 2 और पुट करेंगे तो अब देखो ये क्लियरली बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन इधर 4 हो गया था, तो 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 इधर बैलेंस कर दिया तो ऑटोमेटिकली हो गया, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 4HNO3, फिर जिंक नाइट्रेट ब्रैकेट में होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। ध्यान से देखो सारा बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 6 2 8 और 2 2 जा 4, है ना, 8 4 12 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो 4 नाइट्रोजन है, 1 2 नाइट्रोजन यहाँ पे और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 4 नाइट्रोजन, जिंक एक है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, शॉर्टकट में मैंने बताया, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको आता जाएगा, एक दो बार गलती होगी लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।